दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी को अब डर सताने लगा है और डर है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी जिस तरह आम आदमी पार्टी की पोल खोलने में लगी हुई थी उससे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दिन ज्यादा बचे नहीं हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता बीजेपी को घेरने के लिए उलझलूल बयान दे रहे हैं और ये सब करके वो ये बयान जरूर कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी से कितना डर लग रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की जासूसी करने के आरोप लगे हैं, साथ ही उन्होंने केंद्र की जांच एजेंसियों पर सवाल भी खड़े किए। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से लगातार देश के सबसे शक्तिशाली शक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, प्रधानमंत्री और प्रचंड बहुमत की सरकार के नेताओं की जासूसी करा रहा था और केंद्र की एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं पड़ी। चड्ढा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि एजेंसियों कर क्या रही थी। अगर आपको 8 सालों तक एक उपमुख्यमंत्री की कराई जा रही जासूसी का पता भी नहीं चल सका तो चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं, उसका आप क्या ही लड़ पाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पर केंद्र सरकार के दिग्गज नेताओं की जासूसी करवाए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता ने मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया और बीजेपी की केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राघव चड्ढा के बयानों से साफ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में कितना खौफ का माहौल है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।